अह mm. हाँ जी नमस्ते आप सब लोगों को मैं नसी भाटिया आप सब लोगों का बिहार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर एक बार फिर से वेलकम करती हूँ और क्लास शुरू हो गई है सिक्स टी नाइन्थ बीपीएससी के लिए लगातार आप लोगों के सेशन चल रहे हैं

प्रॉपर्टीज पढ़ी टू के लिए और उसके बाद अब बारी आती है थ्री की थ्री के मैं के बीपीएससी वाले स्टूडेंट को या जितने भी एग्जाम में अभी पढ़ा रही हूँ मैं एग्जाम पढ़ा रही हूँ बीपीएससी असिस्टेंट और मैं पढ़ा रही हूँ मदरिशे सिपाही जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं ना मेरे जो आ, इन सेशंस को अटेंड करते हैं या इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए भी थ्री पर बेस्ड फोमूला जो होते हैं वो आप लोगों को लर्न करने हैं और उसी के बेसिस पर क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में ठीक है तो 3D के फॉर्मूले आज के क्लास में लर्न करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे कि बीपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं थ्री डी से फॉर्मूला बेसिक बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे ठीक है श्रिटी जी नमस्ते सोनी और जो भी ग्रुप्स में आप सब लोग एडोना चैली शाइन बुलेट जितने भी स्टूडेंट एड हैं ग्रुप में आप सब लोग जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दो ठीक है जितने भी स्टूडेंट हैं लाइक कर दो सेशन को बीपीएससी वाले स्टूडेंट वैसे तो एक ही बार में बात मान जाते मान जाते हैं ठीक है तब सब लोग सेशन को लाइक भी कर दोगे और शेयर भी कर दोगे तभी हम लोग आज का सेशन शुरू करेंगे ठीक है चलिए तो शुरुआत करें सेशन की आप सब लोग तैयार हैं सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी के लिए शुरू करें सेशन मेन्सुरेशन थ्री डी तो मेंसुरेशन थ्री डी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है हम्म hmm. चलिए बच्चों आ जाओ सबसे पहले तीन फिगर्स यहाँ पर मैंशनड है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है उसके बारे में हम लोग फॉर्मूला लर्न करेंगे जो भी लर्न करने के हैं और फिर क्वेश्चंस करेंगे उसके बेसिस पर गुड इवनिंग दीपक अजय राधे राधे नमस्ते सब स्टूडेंट्स को नमस्ते चलिए इधर देखिए सबसे पहले बच्चों इधर देखिए नेम ऑफ द सोलिड सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्यूबोइड क्यूबोइड का मतलब है घना क्यूबोइड का बेस जानने की जरूरत है क्यूबोइड का जो बेस होता है वो क्या होता है क्यूबोइड का जो बेस होता है वो क्या होता है रेक्टेंगल यानी कि आयत वॉल्यूम क्या होता है क्यूबोइड का वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन आयतन क्या होता है एल इंटू बीन टू एच एल इंटू बीन टू एच Area जिसको हम बोलते है वक्र वक्र या जैसे मैं मान लो इस क्यूबोइड के क्यूबोइड जिसका बेस रेक्टेंगल है मान लो मैं रूम के चारों तरफ घूम रही हूँ तो मैं कर्उड सर्फेस एरिया उसका कवर कर रही हूँ तो वो कर्उड सर्फेस एरिया क्या है टू इंटू एल इन टू एच प्लस में टू इन टू बी टू एच टू इंटू एल इन टू एच प्लस टू इन टू बी इन टू एच से हम लोग एच कॉमन लेते हैं अंदर बचता है एल प्लस में भी टू ऑफ एच और अंदर बचेगा एल प्लस में भी हमेशा हमेशा एक चीज का ध्यान रखना जब आप टोटल सर्फेस एरिया कैलकुलेट करोगे ना तो कर्व्ड सर्फेस एरिया तो आए आएगा ही आएगा टू इन टू एल एच प्लस टू इंटू बी इन टू एच तो आएगा ही आएगा प्लस में hmm. टोटल सरफेस एरिया में मेंउ सरफेस एरिया में हमने बेस नहीं लिया था तो टोटल सरफेस एरिया में बेस जो है इसलिए जब आप टोटल सरफेस एरिया देख रहे हो तो ट्वाइस ऑफ एल एन टू लिखना पड़ा इसमें से दो कॉमन आया एल इन टू एच बीन टू एच प्लस में एल इनटू भी ध्यान रखिएगा एल इन एच एच प्लस में एल

स्क्वायर जिसको हम क्या बोलते हैं वर्ग ध्यान दीजिएगा घन का जो बेस होता है वो क्या होता है स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं क्यूब बेस होता है स्क्वायर अब देखो स्क्वायर बेस होगा तो स्क्वायर बेस होगा तो सबको पता है कि जो स्क्वायर का एरिया होता है जो क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर होता है भुजा का स्क्वायर जितने भी स्टूडेंट इस सेशन को देख रहे हैं अगर आप फोमूले लर्न आप लोग लर्न करना चाहते हैं फोमुले अपनी कॉपी में जरूर लिखेगा सबसे पहले क्यूबोइड के बारे में बात किया वो अपनी कॉपी में लिखेगा जरूर वॉल्यूम कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सर्फेस एरिया अब जैसे क्यूब के बारे में बात हो रही है बेस लिखना स्क्वायर फिगर बनाना वॉल्यूम लिखना क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एल इन टू बी टू एच क्यूंकि क्यूब का बेस स्क्वायर है इसलिए सारी जो साइड्स है वो बराबर है अगर सारी साइड बराबर है तो क्या हो जाएगा का क्यूब है ना सारी साइड बराबर है तो का क्यूब कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर लिया जाए तो एरिया लेटर सर्फेस एरिया टोटल सर्फेस एरिया टोटल में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा प्लस में टॉप प्लस में बॉटम अब टॉप और बॉटम स्क्वायर बेस है तो स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर होता है ना तो ऊपर वाली आ, रूफ का मैं आपको बोलूँ कि मुझे एरिया बताओ तो आप बोलोगे एक का स्क्वायर मैं बोलूँ मुझे फर्श का एरिया बताओ तो बोलोगे एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर टू ऑफ एक का स्क्वायर तो फोर ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कितना बनेगा ये सिक्स अगर टोटल सरफेस एरिया क्यूब के केस में आ जाए तो सिक्स स्क्वायर ये फोर स्क्वायर होगा कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम अगर पूछा जाए तो ए का क्यूब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ध्यान रखने हैं सीधा फॉर्मूले के बेसिस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से क्यूबोइड और क्यूब के बारे में पूछने वाली हो तैयार रहिए क्यूबोइड में जो सबसे लंबी रोड हम लोग प्लेस कर सकते हैं ना जो सबसे लंबी छड़ हम लोग प्लेस कर सकते हैं ना क्यूबोइड में वो उसका डायग्नल होता है जिसको आप विकर्ण बोलते हो तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर प्रेजेंट है क्या आप मुझे क्यूबोइड के केस में डायग्नल बता सकते हैं बोलिए या ना और अगर बता सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए यमुना अंकित शिवा नमन सोनी मैं बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर देख पा रही हूँ बताओ ना बच्चा मुझे यहाँ पर डायग्नल बताओ मुझे क्यूबोइड का क्या होगा जल्दी से बताइए 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 क्यूबोइड का डायगनल बताइए मुझे विकर्ण बताइए मुझे आप लोगों से पूछना है क्या होता है क्यूबोइड का डायगनल जल्दी से आप सब लोगों को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप सब लोगों को कमेंट मैं यहाँ पर पढ़ पा रही हूँ ठीक है बताइए जरा क्या होगा डायगनल ऑफ क्यूबोइड कोई नहीं बता रहा कोई नहीं बता रहा क्या करें चलो इधर आओ देखते हैं जरा क्यूबोइड के केस में डायगनल या मैं बोलूँ आपको सबसे लंबी रोड जो हम क्यूबोइड में प्लेस कर सकते हैं वो उसका डायगनल होगा डायगनल बराबर है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर क्यूब के केस में अगर मैं डायगनल की बात करती हूँ तो वो बराबर होता है अंडर उन्ड क्यूब के केस में या आप अंडर उड थ्री इंटू ए भी लिख सकते हैं डायगनल विकन ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर की ध्यान दीजिएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर समकोण गोलाकार बेलन इसकी मैं बात कर रही हूं ध्यान देना कि बेलन बनाया हुआ है जिसका अगर मैं टॉप आपसे पूछू तो आप बोलोगे सर्कल की फॉर्म में है अगर मैं आपसे बेस पूछू तो आप बोलोगे मैम सर्कल की फॉर्म में है ये एच हो गया हाइट और ये आर हो गई रेडियस ठीक है वॉल्यूम आयतन की बात करते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम वैसे तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं सबको पढ़ते आ रहे हैं लेकिन सिलेंडर का ध्यान रह जाता है अब जिनको नहीं ध्यान है वो लोग लो लर्न कर लेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आर स्क्वायर एच सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आर स्क्वायर एच लेटर या कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं तो वो क्या होता है टू पाईआर एच मैं आपको जैसे लगातार बोल रही हूँ एरिया तो आता ही आता है प्लस में टॉप प्लस में बॉटम अब टॉप और बॉटम तो सिलेंडर का सर्कल है तो टॉप का एरिया पाईआर स्क्वायर सर्कल का एरिया पाईआर स्क्वाईक् कोई दिक्कत नहीं है टू पाई आर एच प्लस में टू पाई आर स्क्वा ऊपर वाला बेस ऊपर वाला टॉप और बेस सर्कल की फॉर्म में है सर्कल का एरिया पाईआर स्क्वायर होता है तो दोनों एड हो जाएंगे तो टू पाई आर स्क्वायर बन जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं फोन की तरफ कौन के बहुत सारे क्वेश्चन आज की क्लास में आपको करने को मिलेंगे आपको पहले ही बता रही हूँ कौन के बहुत सारे क्वेश्चन आपको आज की क्लास के में करने को मिलेंगे तो अच्छी बात यह है कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लो और इसको ध्यान से आप लोग बनाओगी ठीक है चलिए आ जाइए नेम ऑफ द सोलिड राइट सर्कुलर कोन समकोण गोलाकार शंकु आइसक्रीम तो हम सबने खाई है खाई है ना जिसको हम रेडी वाले को या कभी भी दुकान पे अब हम जाते हैं तो हम बोलते हैं सीधा ही मुंह से निकलता है सॉफ्टी दे दो जो कि बहुत ज्यादा शुरू का वर्ड है बोलते हैं सॉफ्टी दे दो सॉफ्टी खाती है है ना बोलते हैं ऐसे तो ये कोन जो है ये वही सॉफ्टी जिसके अंदर आइसक्रीम डाली जाती है वही है ये कोन शंकु ये है इसका सिर्फ बेस है ना टॉप तो पॉइंटेड फॉर्म में हो गया बेस सर्कल फॉर्म में है, है ये एच हो गया हाइट ये आर हो गया रेडियस ये जिसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट है, तिरछी भुजा जिसको हम लोग बोलते हैं तिरछी भुजा अब बात आती है इसकी वॉल्यूम की अब वॉल्यूम क्या होती है जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर एच होता है ना उसका वन हो जाता है कर्व्ड एरिया एरिया लेटर क्या होता टू पाई आर एच अगर मैं कोन की बात करूं तो कर्व्ड सर्फेस एरिया होगा पाई इन टू आर इन टू एल अब यहाँ पर बच्चों में आपको एक बात बता दू अगर मैं आपसे हाइट पूछ लूं तो आप मुझे बता दोगे किसके बराबर है पाइथागोरस लगा दे

मैं आपको बोलती हूँ हमेशा टॉप एंड मैं बोलती हूँ आपको हमेशा बेस ये एड होगा एक्स्ट्रा लेकिन जब आप कौन देखोगे तो उसमें टॉप तो पॉइंटेड फॉर्म में सिर्फ बेस है प्लस में पाई आर स्क्वायर इसलिए जब टोटल सरफेस एरिया का देखेंगे पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर ये जब क्वेश्चन करेंगे ना मैं आपको फिर से आपको ध्यान दिलवाऊंगी हम लोग रिवीजन करेंगे ताकि पेपर के टाइम तक आप लोग भूलो नहीं चलिए ये बच्चों नेक्स्ट से क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में जो वॉल्यूम होगी आयतन होगा वो क्या होगा फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा फोर पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया भी सेम होता है के केस फोर पाई आर स्क्वायर फोर पाई आर स्क्वायर ठीक है तो वॉल्यूम इसका आधा हो जाएगा टू बाई थ्री पाई आर क्यूब कॉड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टू पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टू पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर प्लस में पाईआर स्क्वायर थ्री पाई आर स्क्वायर ये ध्यान रखिएगा के केस में वॉल्यूम टू बाई थ्री पाई आर एरिया टू पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया थ्री पाई आर स्क्वायर बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं है। मैम ये तो फॉर्मूले हैं क्या ये है? हम लोगों को लर्न करना है सोचते हैं लर्न करना ही तो है फॉर्मूले कर लेंगे लेकिन लर्न कोई करता नहीं है क्योंकि तो टाइम आप लोगों को नहीं मिल पाता वो बेसी बात है अगर आप बीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो बाकी सारे सब्जेक्ट का सिलेबस काफी ज्यादा वास्ट है तो आपको लगता होगा कि आ, मैं पहले इस सब्जेक्ट के लिए नोट्स बना लूँ इस सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर लूँ उसके क्वेश्चन आंसर लगा लूँ मैथ्स को होता है स्टूडेंट थोड़ा सा साइडलाइन कर देते हैं बीपीएससी के लिए स्पेशली मैं बात करूं क्योंकि वो कम मार्क्स का आना है है ना जैसे पहले अगर मैं बात करूं सिक्सटी एट्थ से पहले तो वो टेन क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे अभी सिक्सटी एट्थ में क्या हुआ है छः से सात क्वेश्चन आपको मैथ्स से और उसके बाद तीन से चार क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिले हैं तो भी इसी बातें आप लोग ये सोचते हो कि टाइम कम है तो उसी टाइम को आप लोगों के सेव करने के लिए अगर बीपीएससी के स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसी के लिए ये क्लास है एक उसी तरीके से पढ़ाता है कि अगर आपके पास टाइम अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उतना क्लास में ही आप लोग लर्न कर लो इतना प्रिपेयर कर लो कि जब आप इसके क्वेश्चंस देखो पेपर के तो आप लोग कर पाओ बड़े आराम से ठीक है ये फॉर्मुले लर्न हो गए अगर ये फॉर्मूले लर्न हो गए तभी हम इसके क्वेश्चंस पर चल पाएंगे थ्री के क्वेश्चन पर चल पाएंगे बताइए जरा जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं शीला और आप सब लोग लेट क्यों आये हो भाई शीला सोनी पाठक तो टाइम से आ गई थी दीपक कुमार को यस शिवा को सब लोगों को लन हो गए अगर लन हो गए तो मुझे बताओ मैं आगे इनके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ती हूँ एक बार जल्दी से बता दो आप सब लोग ना एक बार फटाफट से बता दो बता दो बोलते ही नहीं हूँ मैं क्या ही करूँ बताओ मैं क्या ही करूँ चलिए क्वेश्चन आपके सामने है अगर आपको फॉर्मूले लर्न नहीं हुए हैं तो क्वेश्चंस में काफी ज्यादा तकलीफों का सामना आपको करना पड़ेगा वॉल्यूम आपको बताना है इट्स वॉल्यूम विल बी डिक्रीज्ड बाय बताइए जरा वॉल्यूम क्या होगा इसका जल्दी से चलिए पूजा को हो गया रंशीला शिवा स्टार्ट कीजिए कर दिया स्टार्ट अभी आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर मुझे बताओगे बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर आप परसेंटेज में भी काउंट कर सकते हो या आप में भी काउंट कर सकते हो तो दोनों ना एक दूसरे से लिंक करते हैं मैं परसेंटेज चैप्टर का आना चाहिए और परसेंटेज चैप्टर के लिए मैं आपको आना चाहिए क्योंकि अगर ये परसेंटेज का क्वेश्चन आप काउंट कर रहे हो और आपको सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता तो फिर गलत करके आओगे देखो मेरी बात सुनो यहां पर बोल रहा है रेडियस राइट सर्कुलर सिलेंडर की घटाई गई है फिफ्टी परसेंट और जो हाइट है वो बढ़ाई गई है सिक्सटी परसेंट तो आपको बोल रहा है इट्स वॉल्यूम विल बी डिक्रीज बाय तो जो वॉल्यूम है वो कितना परसेंट घटेगी बच्चों तो सबसे पहले सिलेंडर की वॉल्यूम लिखो वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्कवायर एच बोलो हाई है ना है ना ये होती है ना आप उसमें बोला है कि जो रेडियस है वो पचास परसेंट घटा दी गई है और जो हाइट है वो सिक्सटी परसेंट बढ़ा दी गई है पचास परसेंट का मतलब वन बाय टू सिक्सटी परसेंट का मतलब थ्री बाय फाइव बोलो हा रेडियस पचास परसेंट घट गई हाइट सिक्सटी परसेंट बढ़ गई यानी कि थ्री बाय फाइव बढ़ गई अब मेरी बात ध्यान से सुनना पाई का तो कोई रोल नहीं है आप चाहो तो इसे सक्सेसिव वाले तरीके से लिख लो या आप चाहो तो इसे आप जैसे अभी मैं लिख रही हूं आप वैसे लिख लो मेरी बात सुनो रेडियस दो बार है ना हाइट एक बार है रेडियस घटी है वन बाई टू तो आप बोलोगे अगर पहले दो थी तो एक हो गई अगर पहले दो थी तो एक होसेंट बढ़ी तीन बटा पांच बढ़ गई अगर हाइट पहले पांच थी पांच का साठ परसेंट तीन बढ़ गई तो अभी कितनी हो गई आठ तो वॉल्यूम देखो पहले कितनी थी पांच दूनी दस दूनी बीस अभी कितनी हो गई आठ अगर पहले बीस थी तो अभी आठ वॉल्यूम घट गई कितनी बारह कितने पर बीस पर गुना सो बारह घट गई बीस पर दो पांच दस आप बोल सकते हो वॉल्यूम सिक्सटी परसेंट घट गई आप बोल सकते हो वॉल्यूम साठ परसेंट घट गई वॉल्यूम विल बी डिक्रीज बाय डिक्रीज बाय सिक्सटी परसेंट सिक्सटी हो गई पहले थी 20 अब हो गई 8 परसेंट घट गई बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा लेकिन अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों इधर देखो वॉल्यूम पाई r2ज था पहले उससे बोला रेडियस 50% परसेंट कम हुई है 1/2 कम हुई है तो 1/2 1/2 और हाइट बड़ी है यानी कि 8/5 आप देखो आपको यहां से भी नजर आएगा 8 बटे में पांच दूनी दस दूनी बीस मतलब अपने आपका आठ बटा बीस गुना हो गई मतलब अगर पहले बीस थी तो आठ हो गई घट गई वॉल्यूम वॉल्यूम घट गई कितना 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 कितने पर बीस पर गुना तो कितना आ जाएगा गईम साठ परसेंट घट गई वॉल्यूम सिक्सटी परसेंट घट गई बी ऑप्शन इसका आंसर बनेगा बीपीएससी के जितने भी स्टूडेंट है अगर आपको किसी को भी समझ में नहीं आया आप मुझे बता दो मैं आपको वापस से बता दूंगी हाँ सिक्सटी परसेंट और इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हो सक्सेसिव का फॉर्मूला जिन लोगों को आता है वो आप लगा करके आपको तीन बार सोल्व करना पड़ेगा उसको तीन बार देखना पड़ेगा आपको ठीक है हाँ सिक्सटी परसेंट लिखो ऐसे या ऐसे आपकी मर्जी है ऐसे और भी क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे और देखते हैं आप लोगों में से कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं ये वाला थोड़ा सा थोड़ा सा बाद में पहले ये वाला क्वेश्चन चलिए करके दिखाइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा दीपक शैली शिवा वेरी गुड वेरी वेरी गुड बताओ ना इस क्वेश्चन का आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है ध्यान से बताओ ना आ जाओ एक बार पढ़े क्वेश्चन में बोला है कौन की हाइट को सौ प्रतिशत बढ़ाया गया है वोल्यूम कौन की वॉल्यूम क्या होती है ये तो सेम है ना हाइट को बढ़ाया गया है ना हाइट को बढ़ाया गया है सौ परसेंट हाइट एक ही बार है तो वॉल्यूम भी तो उतना ही परसेंट बढ़ेगा इसमें क्या लिखने की जरूरत है हाइट को सो परसेंट बढ़ाया है आप लिख के देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा ये तो सेम है ना जो सेम रहा उसको तो लेने की जरूरत नहीं है हाइट को सो परसेंट बढ़ाया अगर एक थी तो दो हो गई तो वॉल्यूम भी तो सेम होगी क्योंकि इसका तो कोई रोल नहीं है तो वॉल्यूम भी तो सिर्फ एच पर डिपेंड करेगी अगर हाइट सो बढ़ी है तो वॉल्यूम भी तो सो बढ़ेगी वॉल्यूम भी तो हंड्रेड परसेंट बढ़ेगी तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इनक्रीज बाज राइट डिपेंड कर रही है. अगर तो कोई रोल ही नहीं रहा वन बाय थ्री पाई स्क्वायर का ठीक है तो माइंड भी लगाते हैं जब हम लोग क्वेश्चन को करते है फॉर्मुला तो आना ही आना चाहिए साथ साथ आपको दिमाग पूरा लगाना है दिमाग लगाना है जरूर इधर देखो बच्चों सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बता दूं अगर आपको सबसे ज्यादा छूट चाहिए तो एक ही कोड है जो आपको सबसे ज्यादा छूट दिलवा सकता है और वो कोड है Y604. इस बात को समझ लो तुम लोग राकेश राकेशली शिला जो कोड है, है इसी से आपको सबसे ज्यादा छूट मिल सकती है इसी से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है कोई भी कोर्स आप अंडर ट्वेंटी फोर पर सेवन पर परचेज करा जा करने जाते हो तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको वाई छे सौ चार कोड ही दिलवा पाएगा और अगर आप बुक्स या टेस्ट खरीदते हो तो वाई के साथ एस लगाकर ही आप सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ले सकते हो बुक्स पर, 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 पर आई एस के लिए कोई भी कोर्स परचेज करते हो आप बिहार अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर कोई भी कोर्स परचेज पर 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 करते हो या किसी और स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए कोई भी कोर्स परचेस करते हो सबके लिए ये कोड वैलिड है आप ये जो Y604 है ये आप कैसे लगा सकते हो जैसे बीपीएससी के लिए हमारे पास एक बैच है, बैच है है का नाम तक्षशिला अगर आपको वो बैच खरीदना है या कोई और बैच खरीदना है तो आप कैसे खरीदो गूगल पर सबसे पहले अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन लिख दोगे लिख दिया गूगल पर पहले लिंक पर जाओगे क्लिक करोगे इस तरीके का पेज आपको नजर आएगा ओपन जब आपको इस तरीके का पेज ओपन नजर आएगा तो आप ऑल कोर्सेज पर क्लिक करो और जब आप ऑल कोर्सेज पर क्लिक करोगे आपको बैंकिंग का खरीदना है एसएससी का रेलवे का मतलब तो जो भी खरीदना है उस तो पर क्लिक करके खरीद सकते हो स्टेट एग्जाम्स पर गई मैं बिहार पर गई बिहार पीएससी बीपीएससी पर गई मैं अब जब मैं बीपीएससी पर गई सपोज मुझे सपोज मुझे तक्षशिला बैच खरीदना है 69th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो मैं उस पर क्लिक करूंगी या सपोज मुझे विद्यापति बैच खरीदना है 68th बीपीएससी

पैंतालीस सौ निन्यानवे में ये बैच आपको पड़ेगा जो मैं आपको बैच बता रही हूं विद्यापति एट बीपीएससी मेन्स के लिए सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी के लिए अगर आपको बैच खरीदना है सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी के लिए सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी के लिए एक सेकेंड उपचाओ से भी आ जाएगा हाँ तो आपके पास बैच है ये तक्षशिला

कोई बात नहीं शिवा अभी वो गलत हुआ था ना ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो शुरुआत से लेके लास्ट तक आप बिल्कुल करेक्ट आंसर मुझे बताओगे मुझे पता है बताइए बताओ ना इस क्वेश्चन का आंसर बताओ अभी तुम लोगों ने ये नहीं बताया ना तो गलत बात है मैं वॉल्यूम लिख रही हूँ आंसर तुम सब लोगों को बताना है क्योंकि मैं तो करा चुकी हूँ ना तुम लोगों को ऐसा ऐसा क्वेश्चन अभी पहला ही क्वेश्चन था इसी टाइप पर अब तो तुम लोगों की टर्न बनती है ना बताना इस क्वेश्चन को बताइए मेरे को जरा राकेश शैली सब स्टूडेंट आंसर बताने लग गए हैं आंसर मुझे मिल रहा है आंसर मुझे मिल रहा है सिक्सटी टू पॉइंट फाइव आंसर मुझे मिल रहा है 62.5 बट पता नहीं अभी करेक्ट है कि नहीं 5/8 100 आइए जरा एक बार देखें क्या हो रहा है पाई का तो कोई यूज नहीं है क्योंकि वो तो सेम है वो तो कॉन्स्टेंट है उसका कोई यूज नहीं है रेडियस घटाई गई है 50% घटा दी गई है हाइट 50% बढ़ा दी गई है अगर घटा दी गई है का मतलब दो बार है ना रेडियस मतलब दो से एक दो से एक अगर ये पचास परसेंट बढ़ाई गई है हाइट यानी कि दो से तीन कर दी गई है तो दो दूनी चारोनी आठ अगर थी वॉल्यूम पहले तो अभी तीन वॉल्यूम घट गई कितनी पांच कितने पर आठ पर गुना पांच घट गई आठ पर गुना सो यानी कि आप बोलोगे वॉल्यूम सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट घट वॉल्यूम सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट डिक्रीज हो गई घट गई वॉल्यूम सिक्सटी टू पॉइंट फाइव परसेंट घट गई नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्वायर पर आ गया है कोई बात नहीं टू डी चलते चलते जब स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर का फोर्मूला भी माइंड में ध्यान कर ही लेना चाहिए है ना थ्री डी के तो कर ही रहे हैं टू डी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है वो भी हम लोगों को रिवाइज होना चाहिए लर्न होना चाहिए पूरे तरीके से बताइए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या बनेगा चलिए जल्दी से वेरी गुड बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं वेरी गुड बच्चों वेरी गुड क्या हुआ इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई ऑन इंक्रीजिंग ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर बाय 50% हर एक साइड स्क्वायर के बढ़ाई गई है 50% द रेशियो ऑफ एरिया एरिया का रेशियो बताना है नए स्क्वायर के साथ पुराने स्क्वायर का एरिया आपको बताना है तो देखिए पहले तो स्क्वायर uh, की साइड बढ़ाई गई है 50% का मतलब है 1/2 दो. अगर 2 दो थी तो 3 हो गई अगर 2 थी तो 3 हो गई अब आप बोलोगे मैम दो बार के लिख रहे क्योंकि एरिया तो साइड का स्क्वायर ही होता है ना स्क्वायर के केस में एरिया साइड का स्क्वायर होता है अगर पहले एरिया चार था तो अभी नो बन गया एरिया बढ़ गया अच्छा एरिया ये तो बताना ही नहीं है कितने परसेंट बढ़ा वो बोल रहा है जो नया स्क्वायर फॉर्म हुआ है उसके एरिया एरिया uh, का रेशियो आप बता दो गिवन स्क्वायर के साथ नाइन टू फोर नाइन फोर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर नाइन टू डी ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है नाइन इस टू फोर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पर बेस्ड है आपको कोन के बारे में जो उसका वॉल्यूम है वो पता होना चाहिए वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच तो आप इस क्वेश्चन को बनाइए नाइन इंस टू फोर बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है बताइए आंसर क्या बनेगा जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं अगर आप लोगों में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अब तक को like नहीं किया है, तो सेशन को लाइक like और शेयर like और शेयर से ज्यादा पांच क्लास शुरू कर दी गई है, फोर तो क्लास होती है डेली सिक्स बीपीएससी के लिए ठीक है चलिए आज ये लास्ट सेशन चल रहा है कल नी चैप्टर ये मैं बस आज खत्म कर रही हूँ मैं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लिया है हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस ठीक है आज आज लास्ट डे है का राकेश ने आंसर मुझे बताया है एटस टू थ्री राकेश ने आंसर मुझे बताया को यहाँ पर दो ऑप्शन है ध्यान एक तो एट एस टू थ्री है एक थ्री टू एट है ऑप्शन को टिक ध्यान से करना है रेशियो वॉल्यूम ऑफ टू कोन वॉल्यूम ऑफ टू कोन पहला कोन वन बाय थ्री पाई आर वन स्क्वायर एच वन दूसरा कोन वन बाय थ्री पाई आर टू स्क्वायर एच टू का जो रेशो है वो टू टू थ्री है और रेडियस का जो रेशो है रेडियस का वो रेडियस ऑफ रे, रेडियस ऑफ देयर बेसिस का जो रेशो है वो वन एस टू है हाइट का रेशो आपको बताना है अब देखिए पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा अगर रेडियस का रेशो वन एस टू है तो यहाँ पर आप पुट करोगे वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर आपको हाइट का बताना है ना एच वन इंटू एच आप देखिए एच वन

ध्यान से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो सही आप कर पाएंगे पेपर में भी ठीक है एट इज टू थ्री करेक्ट 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 बोल रहे हो आप सब लोग बिल्कुल सही है बताइए ये वाला क्वेश्चन बताइए इसका आंसर बताइए क्या बनेगा चलिए बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो और पढ़ाई करते रहो पढ़ाई नहीं छोड़नी है है ना जॉब लग गई है बहुत अच्छी बात है और आगे आगे बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए आप लोग तैयारी करते रहो <laughs> अरे अरे राकेश ने आंसर बताया है थ्री अंडर रूट थ्री टू अंडर रूट टू आंसर बताया है आप देखते हैं ये वाला आंसर करेक्ट बताया है कि नहीं बताया करेक्ट रेडियस ऑफ़ की रेडियस मान लेते हैं उनकी हाइट हाइट सिलेंडर की हाइट मान लेते हैं एच वन कोन की हाइट मान लेते हैं एच टू हाइट का रेशो है अंडर उज टू अंडर उम की रेशियो आपसे पूछी हुई है वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर वन स्क्वायर एच वन और अगर मैं कौन के वॉल्यूम के बारे में बात करूं तो वन बाय थ्री पाई आर टू स्क्वायर एच टू ये तीन तो ऊपर जाएगा ना ये तीन तो यहाँ आ जाएगा पाई से पाई कैंसिल कर दो अब देखो जो बचा हुआ है उसको पुट कर दो थ्री इन टू आर वन बाय में आर टू का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो थ्री बाई टू आएगा एच वन इंटू एच टू अंडर थ्री ठीक है

वॉल्यूम volume का वॉल्यूम्स का रेशियो आपसे बोला है आप बता सकते हो बड़ी आसानी से बता सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है देखते हैं आप लोग इस क्वेश्चन का क्या आंसर बताओगे डायग्नल ऑफ अ क्यूब रेशियो ऑफ टोटल सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको टोटल सर्फेस एरिया पता होना चाहिए क्यूब का आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए बताइए जरा क्या आप इसका आंसर मुझे बताओगे चलिए 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 बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया दीपक शिवा बताइए आंसर बताइए इस क्वेश्चन का चलिए जल्दी से देखो इधर देखो एक बार अच्छा मैंने आपको क्यूब का डायगोनल बताया था अंडर ऊ थ्री इन साइड क्यूब का डायगोनल

आर की कोई जरूरत नहीं है है ना एक आर बचेगा ना यहाँ आर कॉमन ले लिया ना मैंने तो ये एक आर बचेगा इसको कैंसिल कर देते हैं अच्छा ये क्या हो रहा है ये हो रहा है एल प्लस आर आप ध्यान से देखो ये तीन तो ऊपर जाएगा तीन ऊपर जाएगा एल प्लस आर आपको करना है और यहाँ पर आर इन टू एच होगा ठीक है तो एल अगर मैं आपसे बोलू एक सेकेंड मैं यार ये क्यूब को कौन क्यों लिख रही हूँ अरे अरे अरे, अरे 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 क्यूब का डायगोनल अंडर रूट 3 साइड साइड आ गई सिक्स यहां पर बात क्यूब की चल रही है मैं लिख सारा डाटा कोन का रही हूँ ध्यान से देख लीजिएगा ठीक है क्यूब की बात चल रही है क्यूब की मैंने कोन का लिख दिया लेट मी शो यू वंस अगेन लेट मी शो यू वंस अगेन यही होगा अच्छा यहां पर क्यूब है टेरा कोन मैंने कोन का डाटा लिख दिया सारा

तो का अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पर लिखूं तो a का cube, है ना और इसको मैं cancel कर दूं तो तो ये हो जाएगा six by a. Six by a कि six by six, अगर मैं आपसे तो है ना रेशो इसका बनेगा one is two one. आपको cube का सरफेस एरिया लेना है और क्यूब की आपको वॉल्यूम लेनी है तो टोटल सरफेस एरिया होता है सिक्स ए का स्क्वायर और अगर मैं वॉल्यूम लूं तो वो होता है साइड का क्यूब यानी कि a का क्यूब ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम्म चलो इधर देखो एक बार यहां पर आपको ये बताया जा रहा है कि अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर एडमिशन लेने के लिए आपको बैच परचेज करने के लिए आपको सिलेक्शन लेने के लिए कोड यूज करना है वाई छे सौ चार क्योंकि इससे आपकी सेविंग बहुत ज्यादा होगी क्योंकि आपको छूट मिलेगी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा ठीक है अब हमारे पास सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी के लिए कौन कौन से बैच अवेलेबल हैं आइए जरा वो देख लें सबसे पहले गूगल पर जाकर के आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन लिखेंगे अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन लिखने के बाद आप जो फर्स्ट लिंक आएगा इस लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरीके का पेज ओपन आपको नजर आएगा उसके बाद आप ओल्ड कोर्सेज पर चले जाएंगे और ओल्ड कोर्सेज पर जाने के बाद गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के साथ में स्टेट एग्जाम्स आ जाएगा और आप बिहार पर चले जाना और बीपीएससी पर बिहार पीएससी पर चले जाना क्या आपको सारे बैच नजर आएंगे तकशिलाइंथ बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए बिहार पीसीएस फाइनल सिलेक्शन बैच 2023 विद्यापति सिक्सटी एट्थ बीपीएससी के लिए कंप्लीट मेंस सिलेक्शन बैच और ये चाणक्य बिहार पीसीएस सिक्सटी नाइन्थ बीपीएससी फाउंडेशन बैच है ये ठीक है तो विद्यापति आप बैच परचेस कर सकते हैं सिक्सटी एट बीपीएससी मेन्स के लिए परचेस कैसे करना है इस पर क्लिक कर देना है जब आप इसको करोगे तो यहाँ पर बाय सिर्फ पैंतालीस निन्यानवे रुपए में दिखा रहा है पंद्रह हजार तीन सौ निन्यानवे समथिंग का आपको डिस्काउंट मिल रहा है पैंतालीस सौ निन्यानवे रुपए में आपको ये बैच पड़ रहा है विद्यापति सिक्सटी एट बीपीएससी मेन्स के लिए 69th बीपीएससी के लिए भी हमारे पास बैच है तक्षशिला वो भी आप परचेज कर सकते हैं बट आपको कोड लगाना है उसके लिए Y604 Y604 से ही आपको सबसे ज्यादा छूट मिलती है adder247 पर सबसे ज्यादा छूट ही आपको Y604 कोड से मिलेगी ये ध्यान रखना है ठीक है चलिए बच्चों अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने जा रहा है आना चाहता ही नहीं है वो आपके सामने क्योंकि थैंक यू आ गया है ठीक है तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं मिलूंगी कल आप लोगों से फिर चार से पाँच नए टॉपिक के साथ मैंसुरेशन फिनिश है आपका बीपीएससी के लेवल के लिए आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कल से न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और मे बी मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे जैसा कि आपका पेपर रहता है वैसे क्वेश्चन ठीक है तो मिलते हैं कल चार से पाँच थैंक यू बाय नमस्ते Intent. तो फिर क्या हो गया कभी भाई कभी हो नहीं सकता क्या